नमस्कार, आप देख रहे विराट 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ जैन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश में है। बुधवार को बगावत में इस यात्रा में दौरान राहुल गांधी का हमशक्ल देखने को मिला। इसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। हमशक्ल शख्स का नाम फैसल चौधरी है। फैसल कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो मेरठ में रहने वाले हैं। यात्रा के दौरान फैसल को भी राहुल गांधी की तरह व्हाइट टी शर्ट पहने देखा गया। कहा, मैं मेरठ कांग्रेस कमेटी का एक सदस्य हूं। लोगों का कहना है कि मैं राहुल गांधी का हमशक्ल दिखता हूं। यह सुनकर अच्छा महसूस कर रहा हूं। लोगों ने हमारी तस्वीर भी ली है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता भी हूं। वही जब फैसल से भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पॉजिटिविटी मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि हम इस यात्रा के दौरान किसानों की समस्या, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हैं। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा श्यामली में नाइट होटल के बाद गुरुवार सुबह शुरू हुई थी। शाम तक यह यात्रा पानीपत में प्रवेश कर सकती है। पिछले साल 7 दिसंबर से इस यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। श्रीनगर में 30 जनवरी को राहुल गांधी के तिरंगा फहराने के साथ ही यह यात्रा समाप्त होगी। राहुल गांधी ने बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा का मकसद बताया था। उन्होंने कहा था कि इस यात्रा का मकसद आम आदमी के मन से डर को दूर करना और महंगाई और युवाओं को बेरोजगारी की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। बगावत श्यामली सीमा पर बड़ौत में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा था कि 110 दिनों में 3000 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करने के बावजूद उन्हें टी शर्ट में ना तो थकान महसूस हो रही है और ना ही ठंड लग रही है। मेरठ से ही है, मेरठ कांग्रेस कमेटी। मैं कल भी चला था कुछ देर और आज भी चला हूँ। आज तो मैं सुबह से चल रहा हूँ, कल मैं दोपहर से बाद में चला था। बोलते हैं, बहुत बोलते हैं और लोग फोटो भी खिंचाते हैं, वीडियो बनवाते हैं अपने साथ में। देखो, राहुल गांधी जब बुलाते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी उनके कॉपी हैं और उनके सबसे बड़ी बात यह है हम उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारत जोड़ो यात्रा चल रही, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा इससे। ये नफरत के खिलाफ है और इसमें जो है जो बेरोजगारी के मुद्दे उठ रहे हैं, नफरत के मुद्दे उठ रहे हैं और किसानों के मुद्दे उठ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी और किसान का है।